हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम ड्राइंग करेंगे जन्माष्टमी का। तो मटकी बनाएंगे, हमारी जो कृष्ण भगवान की मटकी होती है ना, मक्खन की, वो हम ड्रॉ करेंगे। तो पहले आपको क्रॉस में लाइन करनी है। आपको ये ड्राइंग स्लीपिंग में करना है। मैंने ये पेज में सेंटर में क्रॉस में थोड़ी सी लाइन बनाई है, फिर स्लेंटिंग लाइन यहाँ पे बड़ा सा सर्कल, यहाँ पे थोड़ी सी जगह रखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे हम बनाएंगे बांसुरी। तो स्केच पेन से बना गई हूँ, इसलिए मैंने आपको फर्स्ट बताया कि आप पेंसिल से बना गए हो ना तो रफ भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे हम बनाएंगे मक्खन। यहाँ पे ये जो ड्राइंग है, इसमें आप डेकोरेशन भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं कलरिंग करूंगी, लेकिन आप कॉटन भी लगा सकते हो। यहाँ पे बनाएंगे मोर पंख। इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पे हम मटकी को एकदम डेकोरेटिव बनाएंगे, तो अच्छी सी इसमें डिजाइन भी स्केच पेन से बना सकते हैं। जिगजैग लाइन, छोटे छोटे फ्लावर्स, आपको जैसी भी डिजाइन पसंद है उस तरह की आपको इसमें डिजाइन बनानी है। आप इसमें ऑयल पेस्टल भी कर सकते हो। अगर आपको स्केच पेन से इसमें डिजाइन बनानी है तो स्केच पेन से भी डिजाइन बना सकते हो। इस तरह से ड्राइंग करना है। और बैकग्राउंड में हमें क्या करना है, बैकग्राउंड में आप शेडिंग में, जैसे ऑयल पेस्टल कलर है तो ऑयल पेस्टल कलर में आप पूरे में अच्छे से शेडिंग कर सकते हो। कोई भी लाइट कलर, फैमिली कलर का हमें शेडिंग लेना है। जैसे मैं यहाँ पे क्रोम येलो, लेमन येलो, ऑरेंज, उनका शेडिंग कर रही हूँ। ऐसे आपको करना है। इसके बाद दूसरा वाले येलो का शेड लेंगे हम। दोनों कलर हम इतना ध्यान रखना है कि एक दूसरे के साथ में मिक्स हो जाना चाहिए। इस तरह से आपको पूरे बैकग्राउंड में ये कलर करना है। देखो यहाँ पे इस तरह से पूरा बैकग्राउंड करने के बाद यहाँ पे हम करेंगे स्काई ब्लू कलर, यहाँ पे पर्पल कलर, और यहाँ पे आपको लाइट ग्रीन कलर, अगर आपके पास है दोनों, जितने भी लाइट ग्रीन कलर के शेड है वो आप कर सकते हो। नीचे ग्रीन कलर का लाइट शेड लेना है और ऊपर डार्क शेड लेना है, मतलब जो हम लाइन बनाएंगे वो डार्क कलर से करेंगे। फिर यहाँ पे लाइन करेंगे इस तरह से, डार्क ग्रीन से आपको करना है ये वाला। यहाँ पे भी एक ग्रीन कलर से आपको करना है लाइन। अभी आपको इसमें डिजाइन स्केच पेन से अगर करना चाहो तो स्केच पेन से कर सकते हो। यहाँ पे व्हाइट कलर करना है, लेकिन किस तरह से कि थोड़ा थोड़ा मैंने लाइट ब्लू कलर का शेडिंग कर देना है। येलो कलर भी कर सकते हो आप, फिर व्हाइट करना है। व्हाइट कलर ज्यादातर हम यूज नहीं करते, लेकिन यहाँ पे यूज कर सकते हैं।
कॉटन भी लगा सकते हो यहाँ पे। बीच में ये जो हमारी मटकी है उसको हमें ज्यादा डेकोरेशन करना है, तो यहाँ पे आपको स्केच पेन से इस तरह से डिजाइन बनानी है। स्टैंडिंग लाइन कर सकते हो, स्लीपिंग लाइन कर सकते हो, जिगजैग लाइन कर सकते हो, छोटे छोटे सर्कल भी यहाँ पे बना सकते हो। इस तरह से आप ड्रॉ करोगे तो अच्छी सी डिजाइन वाला आपकी मटकी रेडी होगी। अलग अलग कलर्स आपको करने हैं। इसके आजू बाजू देखो इस तरह से फ्लावर भी बना सकते हो। रेड कलर, ग्रीन कलर, कुछ कुछ पार्ट में आप फिलअप भी करोगे तो भी ये अच्छा लगेगा इस तरह से। यहाँ पे भी हम छोटे छोटे इसमें सर्कल बना लेंगे। देखो यहाँ पे ऐसे आपको डिजाइन बनानी है। बैकग्राउंड में भी यहाँ पे जो मैंने बैकग्राउंड बाहर का लिया है वहाँ पे अगर आपको हैप्पी जन्माष्टमी इस तरह से लिखना है, मेरे ड्राइंग में ज़्यादा ऐसी स्पेस नहीं है। अगर आपके ड्राइंग में अगर आपको लगता है कि ज़्यादा स्पेस है आप लिख सकते हो तो आप, मैं दिखा देती हूँ आपको। ऑयल पेस्टल में अच्छे से ओवरलैपिंग होता है, तो यहाँ पे आप डार्क कलर से हैप्पी जन्माष्टमी इस तरह से आपको लिखना है तो देखो इस तरह से अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो। तो इस तरह से आपको ये मटकी का ड्राइंग कंप्लीट करना है। थैंक यू।